इसराइल हमास युद्ध लगातार गहराता जा रहा है। हमास की ओर से सीजफायर के प्रस्ताव को इसराइल ने ठुकराते हुए अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इसी सिलसिले में इसराइल ने दक्षिणी गाजा के रफा शहर पर भीषण हमला कर गाजा युद्ध की आग फिर तेज करने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी दरकिनार करते हुए इसराइल ने रॉकेट दागकर राफा शहर में जमकर तबाही मचाई है, जिसके बाद ईरान समर्थित फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों ने अपने हमलों में तेजी लाते हुए इजरायली सेना पर भी कहर बरपाया है। फिलिस्तीन की प्रतिरोधी ताकतों ने इसराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागकर कड़े तेवर दिखाए हैं। लड़ाकों ने हमले कर इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। प्रतिरोध ने ऐलान किया कि वे एक इजरायली सैनिक को ढेर करने में कामयाब रहे हैं। हमास की खूंखार अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने 114 mm के कम दूरी के राजम मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर करम अबू सलेम मिलिट्री साइट पर इजरायली बलों को ठिकाना पर सटीक हमला किया है। अल कसम ने गाजा शहर के दक्षिण में नेटजारिम के पश्चिम में एक इजरायली पैदल सेना बल को भी मोर्टार गोले से निशाना बनाने का दावा किया। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PLFP के शहीद अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने नेटजारिम एक्सिस पर तैनात इजरायली बलों पर भी भारी कैलिबर मोर्टार गोला दागने का खुलासा किया, जो कि उत्तरी गाजा इलाके को घिरे हुए बाकी हिस्सों से बांटता है। फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन का मिलिट्री विंग अल कुत्स ब्रिगेड ने रफा के पूर्वी इलाकों में दाखिल होने वाले IDF और वाहनों पर बमबारी की। संगठन ने इसका वीडियो भी जारी करते हुए इसराइल पर दबाव बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अल कुत्स ब्रिगेड लगातार हवाई हमले कर रहा है, अपने घातक हथियारों के दम पर इसराइली बलों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, साथ ही अपने सटीक हथियारों और गोला बारूद के दम पर इसराइली बलों को आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। वहीं अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने भारी कैलिबर मोर्टार गोले के साथ एयरपोर्ट के आसपास और रफा के पूर्व में अल शोका में इसराइली बलों और उसके वाहनों को निशाना बनाने का दावा किया। ब्रिगेड ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रफा में पूर्व में एक RPG शेल के साथ एक इजरायली वाहन पर सीधा वार कर निशाना बनाया। बता दें कि इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही कई गुमनाम संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए लगातार इसराइल पर हमलावर हैं, जो इसराइल के चलाए जा रहे गाजा ऑपरेशन के आगे चट्टान की तरह खड़े हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की राष्ट्रीय प्रतिरोध ब्रिगेड उमर अल कासिम बलों ने पूर्वी अल शोका में इजरायली सेना की टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। मोर्चे के प्रवक्ता अबू खालिद ने दावा किया कि कई छोटी दूरी की मिसाइलों के साथ रफा क्रॉसिंग के पूर्व में इजरायली सेनाओं के जत्थे को निशाना बनाया, जिसमें भारी नुकसान का अंदेशा है। उधर मुजाहिदीन ब्रिगेड ने कम दूरी की मिसाइलों के साथ नेटजारिम में तैनात IOAF को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली।